नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में कई अहम खबरें हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलटी ग्रेड की। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नियुक्ति की राह में फिर रोड़ा बनी सॉफ्ट कॉपी। जो हिंदी और एसएसटी के छात्रों की नियुक्ति होनी है उसमें सॉफ्ट कॉपी एक बवाल बन चुकी है और छात्र परेशान है। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से बताया जा रहा है कि सॉफ्ट कॉपी पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा जा चुका है। कहाँ से भेजा गया? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भेजा गया, लेकिन अब निदेशालय सॉफ्ट कॉपी में संशोधन की बात कर रहा है और चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग फंसी हुई है। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद ही नियुक्ति मिल सकेगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि निदेशालय ने काउंसलिंग के लिए पोर्टल जल्द नहीं खोला तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब हिंदी के यहाँ पे 1432 छात्र चयनित हैं और सामाजिक विज्ञान के 1851 में से 53 का चयन नहीं हुआ था और यहाँ पर एक का चयन नहीं हुआ था। इस तरह से दोनों मिला के केवल 4 पदों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, बाकी सभी पदों का रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन जो फाइलें भेजी गई हैं वो कम भेजी गई हैं। कुल फाइलें जो निदेशालय भेजी गई हैं, यहाँ पे देखिए विषय वाइज यहाँ पे दिया गया है। सामाजिक विज्ञान पुरुष की बात करते हैं तो यहाँ पे 1584 फाइलें भेजी गई हैं और इसी तरह से हिंदी की बात करते हैं तो 958 फाइलें भेजी गई हैं। तो ये जो फाइलें भेजी गई हैं इसको शिक्षा निदेशालय को पोर्टल अपडेट करके वहाँ पे इसको जो है ज्वाइनिंग के लिए काउंसलिंग करवानी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में यहाँ पर खबर है कि आज जो है 12 अप्रैल हो चुका है और 13 अप्रैल को इसका ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पदों की भर्ती निकाली गई थी और यहाँ पे 12 अप्रैल इसकी आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख है। यानी कि अगर आज आपने आवेदन शुल्क जमा नहीं किया तो कल आप फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो आज ही मान लीजिए इसका अंतिम मौका होगा आज। और इसकी परीक्षा जो है आपकी 4 चरणों में कराई जाएगी, जिसमें से पहले चरण की परीक्षा की शुरुआत 26 मई को होगी। तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में, तो ये फॉर्म में आप अप्लाई कर दीजिए। इस फॉर्म में अप्लाई करने की जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट यानी आप पीजी होना चाहिए, उसके साथ नेट या फिर नेट या फिर पीएचडी क्वालिफाई होना चाहिए। इन दोनों में से कोई क्वालिफाई होना चाहिए प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यूपीपीएससी को लगातार छात्र उंगली उठा रहे हैं यूपीपीएससी पर कि अंक पत्र सार्वजनिक नहीं कर रहा है यूपीपीएससी। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये अभी शुरू हुआ है, इसके पहले ये सिलसिला नहीं था। रिजल्ट के साथ साथ अंक पत्र भी जारी कर दिया जाता था, लेकिन अब छात्र और असफल दोनों तरह के छात्र जो है परेशान है, क्योंकि उनको अंक पत्र ही नहीं बताया जाता है। ज्वाइनिंग करा दी जाती है उसके बाद अंक पत्र बताया जाता है। अब पीसीएस में भी जिसे मान लीजिए कोई अगर सफल कैंडिडेट है तो वो भी जानना चाहता होगा कि आखिर हमारे कितने नंबर आए हैं जिससे कि हम सफल हुए हैं, और असफल छात्र भी यह जानना चाहता है कि आखिर कितने नंबर से हमारा रुक गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे कहते हैं कि आयोग में पारदर्शिता व निष्पक्ष कार्यप्रणाली लागू करने की बात कही जाती है, अगर ऐसा है तो अंक पत्र सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? उन्होंने काफ़ी स्कैन करके दिखाने जो कि जो जिस माध्यम से फॉर्म भरे उसे उसी परीक्षा देने, सीधी भर्ती में लिखित परीक्षा का अंक जोड़ने की मांग करते हुए कहा कि आयोग को मनमाना निर्णय लेने के बजाय प्रतियोगियों को के हित में सोचना चाहिए। प्राचार्य भर्ती में व्यापक बदलाव के आसार दिख रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप का असर भर्ती परीक्षाओं में पड़ने लगा है। इसके मद्देनज़र उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कोरोना संक्रमण के कारण 3 दिन का साक्षात्कार स्थगित कर दिया। 12, 13 और 15 अप्रैल का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। वहीं 15 अप्रैल को शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन भी नहीं किया जाएगा। और इसके पहले आपने देखा होगा चयन बोर्ड ने भी जो है साक्षात्कार बंद करा दिया है। इस समय साक्षात्कार इसमें नहीं हो रहा, तो कोरोना की स्थिति काफ़ी भयावह है और इसका असर प्रतियोगी छात्रों पर पड़ने लगा है। रोजगार धंधों और स्कूलों पर भी इसका असर पड़ रहा है। चीज़ें बंद हो रही हैं और हो सकता है कि फिर से लास्ट ईयर की तरह एक लॉकडाउन का ऐलान किया जाए। और महाराष्ट्र में जैसी न्यूज़ मिल रही है कि वहाँ पे आज जो है डिसीजन पैनल ले लिया जाएगा कि 21 दिन का लॉकडाउन लगाने पर आज वहाँ पर एक मीटिंग है और शाम तक इस पर फैसला आ जाएगा कि कल से 21 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए या अभी ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश उत्तर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 49 के तहत अशासकीय डिग्री कॉलेजों में
के लिए 290 प्राचार्य पद की भर्ती निकाली है। कुल पदों के सापेक्ष 610 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल हुए हैं। 5 अप्रैल से आयोग में द्वितीय चरण का साक्षात्कार और शैक्षिक दस्तावेज सत्यापन चल रहा है। द्वितीय चरण का साक्षात्कार 23 अप्रैल तक चलेगा। कोरोना पीड़ितों की संख्या में ज़्यादा इजाफा हुआ तो द्वितीय चरण का साक्षात्कार टाला जा सकता है। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि कोरोना के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अगर संक्रमण बढ़ता रहा तो उससे प्राचार्य भर्ती प्रभावित हो सकती है। CHSL टीयर 1 की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इसमें मध्य क्षेत्र में शामिल 18 केंद्रों पर परीक्षा के लिए 9,11,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। यहाँ पर जो छात्र हैं वो पूरे देश में जो है 32,00,000 हैं, 58,242 छात्र हैं इसमें, और 9,00,000 छात्र जो है मध्य क्षेत्र से ही हैं। तो यहाँ पे देखिए जो परीक्षा होने वाली है वो कई सेंटरों पर होने जा रही है। 18 केंद्र हैं यहाँ बनाए गए हैं, आगरा, अलीगढ़, आर्रा, बरेली, भागलपुर, दरभंगा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर में, और पटना, प्रयागराज, पूर्णिया और वाराणसी में छात्रों की परीक्षा होगी। तो ये सेंटर जो है बनाए गए हैं CHSL के टीयर 1 परीक्षा के लिए, और ये परीक्षा काफ़ी लंबे समय तक चलती है। दोस्तों TGT PGT की अपडेट है कि अब आपको परीक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और परीक्षा की संभावित तिथि जो है उसको देखते हुए समय अभी ठीक ठाक है, समय अभी कम नहीं पड़ा है। और संभावित तिथि क्या है, 1 से लेकर 10 अप्रैल तक मैं बोलता हूँ, बाकी और लोग भी बोल सॉरी 1 से लेकर 10 जून तक, यह मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, और बाकी लोग भी जून एंड तक परीक्षा को संपन्न कराने की बात करते हैं। कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना कि परीक्षा जुलाई के बाद होगी या जुलाई में होगी। तो दोस्तों ये जो सरकार के काम होते हैं इसमें समय बिल्कुल नहीं लगता है, जब सरकार काम करना चाहती है तो, और जब काम नहीं करना चाहती है तो इसमें समय ही समय लगता है। अगर परीक्षा करानी होगी सरकार को तो वो 1 से लेकर 10 जून तक करा लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर लागू करना है तो परीक्षा की जो सबसे उत्तम तिथि है वो 1 से लेकर 10 तक ही है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, थोड़ी सी भी ढिलाई मत दीजिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपके लिए बहुत बड़ी जीवन की गलती बन जाएगी, तो इसको छोड़िए मत और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।